वैसे तो अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन साइंटिस्टों की नजर में ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमें अपने ओरिजिन के बारे में काफी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन आए दिन ऐसी ऐसी खोज हो जाती है अफ्रीका के अंदर, जिसकी वजह से साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं दो ऐसी खोज के बारे में जिसकी वजह से साइंटिस्ट थोड़े कंफ्यूज है। शुरुआत करते हैं क्रोकोडाइल से, एक ऐसा जानवर जिसको देखते ही आप लोगों को भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अफ्रीका के बकीना फैसो गांव के पास में हो तो आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हो, क्योंकि दोस्तों बजुले गांव के पास में एक ऐसा तालाब है जिसके अंदर रेप्टाइल्स तो हैं और वो भी क्रोकोडाइल, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं करते हैं। यहाँ आपको लगेगा ये खूंखार जानवर तो हैं, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों और इनके बीच में कितना ज्यादा प्यार है। यहाँ के गांव वालों के हिसाब से एक जमाने में जब इस गांव में सूखा छा चुका था, उस टाइम पे एक क्रोकोडाइल आता है और इनको एक तालाब का रास्ता दिखाता है। बस एक वो दिन है और एक आज का दिन। आज तक इनके बीच में काफी ज्यादा भाईचारा रहा है, इवन इनके आपस में इतनी ज्यादा बनती है कि जब भी कोई क्रोकोडाइल मरता है तो ये लोग दफनाते भी है और उसको फ्यूनरल भी देते हैं। और जब भी इनके गांव में कुछ बुरा होने वाला रहता है उस टाइम ये क्रोकोडाइल रोते हैं, और जो कि इनके गांव के बुजुर्ग लोग डिकोड करते हैं। इंसान और क्रोकोडाइल के बीच में ऐसी बॉन्डिंग देखने के बाद काफी सारे टूरिस्ट लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं, और जिस वजह से यहाँ टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये लेक काफी ज्यादा सूख रही है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि ये क्रोकोडाइल वापस से इनको रास्ता दिखाएंगे एक और नए पॉन्ड का, और वापस इनकी प्यास बुझ जाएगी। क्रोकोडाइल के बाद अब बात करते हैं इंसानों की। इंसानों के एवोल्यूशन के बारे में सबसे ज्यादा क्ल्यू अफ्रीका से मिलते हैं, और इस टाइम 2013 के अंदर भी ऐसे क्ल्यू मिले थे जिसकी वजह से साइंटिस्ट काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको यहाँ ऐसे फॉसिल्स मिले थे जो इंडिकेट कर रहे थे बिल्कुल एक नई स्पीसी को, जो कि बिलोंग करती थी जीनस होमो से। पहली बार साइंटिस्टों को 2013 के अंदर काफी भारी मात्रा के अंदर फॉसिल्स मिले थे, और ये सारे फॉसिल्स मिलने की वजह से काफी ज्यादा फायदा भी हुआ था, और साइंटिस्ट थोड़े बहुत डाउटफुल भी थे। ये जितने भी फॉसिल्स थे इनकी वजह से मॉडर्न एंड आर्काइव ट्रेड के बारे में एक कनेक्शन सा साबित हो रहा था, जिसकी वजह से साइंटिस्टों को फायदा ये हुआ कि ये हमारे ओरिजिन के बारे में और अच्छे से समझ पाए। अफ्रीका के अंदर इन फॉसिल्स की जब भी डिस्कवरी हो रही थी ये बिल्कुल ऐसी जगह मिले जहां पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल था, और एक इंक्लाइनिंग स्टारकेव सिस्टम था जो कि दो चैम्बर में बना था, जिसके दूसरे चैम्बर का नाम था लेसेडी। इसके अंदर जितने भी फॉसिल्स मिले थे इनकी वजह से इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि कभी कभार तो ये एप की तरह लग रहा था, इनके कंधे हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह है। इनकी एज के बारे में बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख से लेके 3 लाख साल पुराने तक थे। यहाँ तक कि इनकी ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि इनके हाथ पैर तो बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। साइंटिस्टों ने इसके बारे में और स्टडी करने के बाद काफी सारे और खुलासे भी किए, जैसे कि इनके हाथ का साइज बिल्कुल ऐसे था कि ये चढ़ सकते थे किसी भी पेड़ के ऊपर, और इनके पैर इस तरीके से इवॉल्व हुए थे कि ये काफी लंबी डिस्टेंस तक पैदल चल सकते थे। और बाकी ट्रेड्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी एप से इवॉल्व हुए। इनकी डिस्कवरी के बाद काफी सारे सवाल भी उठे थे कि कैसे इनके फॉसिल्स इस चैम्बर के अंदर पहुंचे, और साथ ही साथ उस टाइम पे ये लोग कैसे सर्वाइव किया करते होंगे। खैर ये सब तो नहीं पता, लेकिन और भी फैक्ट है अफ्रीका के बारे में जो हम कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश, अब सिर्फ बारिश नहीं होती मेरी।